शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में चंद्रमा देवता और शनिदेव के विष योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में मंगल देवता जो सुप्रीम पावर में है, उन्होंने शनिदेव को छोटे भाई बहन का, मेहनत का और विदेश यात्रा, छोटी मोटी यात्राओं का डिपार्टमेंट दिया। माता गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं, सारा डिपार्टमेंट ये शनिदेव को मिला। शनिदेव तीसरे और चौथे घर के मालिक बने, जो कि इस कुंडली में समग्रह माने जाते हैं। और चंद्रमा देवता को भाग्य का बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया, पिता का डिपार्टमेंट दिया, विदेश यात्रा का डिपार्टमेंट दिया। तो इस लग्न की कुंडली में भी शनि और चंद्रमा का विष योग बनता है। अगर उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, ये एडवांटेज देने वाला योग भी बनता है। इसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है ये कैसा फल हमें देने वाला है। दर्शकों, अगर चंद्रमा देवता लग्न में पड़े हों और शनिदेव भी साथ ही में लग्न में पड़े हों, यहाँ चंद्रमा देवता नीच के हो जाते हैं। अपनी दशा अंतर दशा में हेल्थ में प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, पिता से मनमुटाव बना रहना, विदेश यात्रा करके रिजल्ट ना मिलना, यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी सप्तम भाव पर दृष्टि डाली, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप में और डेली वेजेस में चंद्रमा देवता सदैव प्रॉब्लम्स ही देते मिलेंगे। शनिदेव की जब भी दशा अंतर दशा चली, शनिदेव हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देंगे, फजूल की मेहनत, छोटे भाई बहनों की सपोर्ट अवश्य मिलेगी, यहाँ से रोजी रोजगार, डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में लाभ होगा और दाम्पत्य सुख में भी एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दशम दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो कामकाज भी ऑब्स्टेकल्स और हार्डवर्क करने के साथ ही होगा। शनि चंद्रमा प्रिय दर्शकों दूसरे भाव में पड़े हुए, चंद्रमा देवता अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छा फल देंगे। धन, कुटुंब, वाणी संबंधी टोटली एडवांटेज मिलेगा, पिता की केयर करने वाला होगा। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो आठवें भाव पर दृष्टि डाली, तो अपने हार्डवर्क से अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर लिया। शनिदेव की दशांतर दशा में वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। यहाँ से शनिदेव ने जो तीसरी दृष्टि डाली, तो माता गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी एडवांटेज दिया, यहाँ से हार्डवर्क से ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर लिया। यहाँ से शनिदेव ने जो दशम दृष्टि ग्यारहवें भाव पर डाली, तो कहीं ना कहीं से धन अर्जित होता ही रहेगा जातक को। दर्शकों, शनि चंद्र का विषयोग अगर तीसरे भाव में पड़ा हुआ, जातक को शनिदेव की दशांतर दशा में मेहनती बना देगी शनि की दशा, चंद्रमा देवता भी हार्डवर्क जरूर करवाएगी। यहाँ से शनिदेव और चंद्रमा ने जितनी नवम भाव पर दृष्टि डाली, तो नवम भाव संबंधी चंद्रमा की दशांतर दशा में टोटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन शनिदेव की दशांतर दशा में पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव बना रहेगा, विदेश की यात्रा होती रहेगी और धर्म को भी जातक जल्दी मानने वाला जरूर होगा, धर्म पर आस्था रखने वाला होगा। दर्शकों, शनि चंद्रमा चतुर्थ भाव में पड़े हुए, यहाँ विषयोग टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब ये बड़े ध्यान देने योग्य बात है प्रिय दर्शकों, समझना होगा आपको कि विषयोग का नाम भी अन्यथा बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। चौथे भाव में पड़ा हुआ वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि चंद्रमा का योग, चंद्रमा की दशा अंतर दशा भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी और शनिदेव की दशा अंतर दशा भी माता गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न करके जातक के जीवन यापन में एडवांटेज देगी। और चंद्रमा देवता की दशा अंतर दशा भी माता गाड़ी, भूमि, वाहन का एडवांटेज दे करके, यहाँ से दोनों ने जितनी कामकाज पर दृष्टि डाली, तो कामकाज में भी वृद्धि करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देंगे। यहाँ से शनिदेव ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली, तो छठे भाव संबंधी भी एडवांटेज, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके जातक हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत प्राप्त करके जीवन यापन आसान करता है। यहाँ से जो शनिदेव ने दशम दृष्टि लगन पर डाली, तो पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट अवश्य देता है। चंद्रमा और शनि पंचम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा की दशांतर दशा तो एडवांटेज देगी क्योंकि वो कारक ग्रह है, शनिदेव की दशांतर दशा भी सदैव एडवांटेज देगी, मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प कर देगी, माइंड पीसफुल होकर के विल पावर बहुत स्ट्रांग करेगी, पुत्री का योग अवश्य बना देगी, स्टमक में अगर प्रॉब्लम आई तो वो चली जरूर जाएगी, लवर मास में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन जरूर होंगे, लॉटरी सट्टे जुए में जातक को जीत अवश्य मिल सकती है, जातक अनसर्टेन गेन जरूर कहीं ना कहीं से हासिल कर लेता है।
शनिदेव ने यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव संबंधी एडवांटेज, शनिदेव ने यहाँ से दृष्टि डाली ग्यारहवें भाव संबंधी एडवांटेज, यहाँ से शनिदेव ने धन कुटुंब वाणी संबंधी दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी एडवांटेज दे करके वाणी एक थोड़ी सी उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात होता है, माइंड में थोड़ी सी अग्रेसिवनेस जरूर आ जाती है क्योंकि शनिदेव में कहीं ना कहीं एक क्रूरता का तत्व है। लेकिन डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लीजिएगा, अगर चंद्रमा का डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो वो शनिदेव की नेगेटिविज्म को शांत कर देगा, अगर शनिदेव में डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो चंद्रमा की थोड़ी बहुत अशुभता को कम जरूर कर देगा, चंद्रमा की जितनी शुभता बनेगी वो शनिदेव उसको डिक्रीज करने में दिक्कत परेशानियों में डाल करके मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब अवश्य कर देगा। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा बली हुआ तो वो शनि की अशुभता को कम करेगा, अगर शनिदेव बली हुए तो चंद्रमा की शुभता को कम करके उसका बैलेंस बना देगा, डिग्री वाइज बलाबल के आधार पर ही इसका निर्णय हो पाएगा। शनि चंद्र अगर छठे भाव में पड़े, यहाँ शनिदेव नीच के हो जाते हैं, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम्स, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा, अगर मकान बनने वाला हुआ तो बहुत ज़्यादा लेट अवस्था में बनता है, यहाँ पर छोटे भाई बहन से नहीं बनती, बिना कारण के ऑब्स्टेकल शनि की दशा में खड़ी रहती हैं, चंद्रमा की दशा अंतर दशा में पिता से प्रॉब्लम, धर्म को ना मानना, विदेश यात्रा होना, यहाँ से शनिदेव ने जो आठवें भाव पर दृष्टि डाली तो बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स, यहाँ से शनिदेव ने जो दृष्टि डाली बारहवें भाव पर तो फजूल के व्यय होते ही रहेंगे, यहाँ से शनिदेव ने जो दृष्टि डाली तीसरे भाव पर तो तीसरे भाव संबंधी भी प्रॉब्लम्स ही देकर के छोटे भाई बहन से कलह कलेश, फजूल की विदेश यात्रा होना, विदेशों में भी जाकर के पैसा खराब होना, ऐसी अवस्था शनिदेव क्रिएट करते ही रहते हैं। दर्शकों, चंद्रमा शनि अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाते हैं अपनी दशा अंतर दशा में, सदैव एडवांटेज देंगे, भाग्य राइजिंग में आएगा, मैरिज के बाद उसे स्टेबिलिटी मिलेगी, पार्टनरशिप में एडवांटेज मिलेगा, डेली वेजेस में नए रास्ते खुलेंगे, यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली उसके संबंधी टोटली एडवांटेज देके पर्सनैलिटी को एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी अवश्य बना देंगे। शनिदेव की दशा अंतर दशा में जातक को एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, जातक की मैरिज में स्टेबिलिटी रहेगी, जातक की मैरिज दूसरी कास्ट में भी हो सकती है, यहाँ पर रोजी रोजगार में लाभ मिलेगा, यहाँ पर शनिदेव का एडवांटेज हमें अवश्य मिलेगा, यहाँ से दृष्टि डाली पिता को मानने वाला, पिता से लगाव रखने वाला या छोटी मोटी विदेश यात्रा करने वाला, यहाँ से पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देने वाला, यहाँ से मकान गाड़ी भूमि वाहन शनि की दशा अंतर दशा में जातक अवश्य ही बना लेता है और माता की सदैव केयर करने वाला होता है। शनि चंद्रमा प्रिय दर्शकों अगर आठवें भाव में पड़े हुए तो टोटली डिसएडवांटेज देंगे, यहाँ पूर्ण विषयोग का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ना तो चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल देंगे, ना ही शनिदेव अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर पड़े हुए शनिदेव जो दशम भाव पर तीसरी दृष्टि डालेंगे टोटली कामकाज में ऑब्स्टेकल देंगे, यहाँ से दृष्टि डाली दूसरे भाव पर तो धन कुटुंब वाणी संबंधी प्रॉब्लम्स, यहाँ से संतान भाव पर जो दशम दृष्टि डाली तो संतान संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम देकर के जातक की मुश्किलें सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे, यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो दृष्टि डाली दूसरे भाव पर तो उसके संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे चंद्रमा की दशा अंतर दशा में। दर्शकों, चंद्रमा और शनि अगर नवम भाव में पड़े हुए, यहाँ दोनों ही ग्रह पड़े हुए अपनी दशा अंतर दशा में टोटली एडवांटेज के यानी पॉजिटिव रिजल्ट अच्छे रिजल्ट देंगे, चंद्रमा की दशांतर दशा चली तो जातक धर्म को मानने वाला होगा, भाग्यवान जातक होगा, माता से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों की सपोर्ट मिलती रहेगी और छोटे भाई बहनों की सपोर्ट के साथ छोटी मोटी यात्राएं करके भी लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित ज़रूर कर लेगा, और शनिदेव की यहाँ प्लेसमेंट भी एडवांटेज देगी, यहाँ से तीसरे भाव तीसरी दृष्टि जो ग्यारहवें भाव पर पड़ी तो ग्यारहवें भाव संबंधी भी एडवांटेज के रिजल्ट, यहाँ से छोटे भाई बहन संबंधी भी एडवांटेज के रिजल्ट, यहाँ से शनिदेव ने जो दशम दृष्टि छठे भाव पर डाली तो अपनी दशा अंतर दशा में रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके जातक को कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर देगा। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए चंद्रमा देवता कामकाज को थोड़ा डिले ज़रूर करेंगे, कामकाज की सेटलमेंट में डिले होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है, कामकाज जॉब वर्क सबॉर्डिनेशन अंडर रह करके या डायरेक्ट चौथे भाव से जुड़ा यानी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कामकाज जातक कर सकता है,
यहाँ पर चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में हम अक्सर जातक को रिकमेंड करते हैं कि अपने पिता से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हो या पिता को साथ रखकर कोई काम करते हो तो काम में कामयाबी आपको अवश्य ही मिलती है। अगर माता से जुड़ा हुआ कोई काम या माता को साथ पार्टनर बनाकर काम करते हो तो भी उसके एडवांटेज के रिजल्ट आपको अवश्य ही मिलते हैं। शनिदेव ने यहाँ पर दृष्टि डाली 12वें भाव पर, तो फजूल के वैसे भी कामकाज चलता रहेगा, लेकिन बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी विदेश यात्रा करके भी जातक लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित जरूर कर लाता है। यहाँ से शनिदेव ने जो चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो अपनी दशा अंतरदशा में मकान गाड़ी भूमि वाहन अगर लेने वाला हुआ तो वो जातक का अवश्य बन जाता है। और शनिदेव की जो दशम दृष्टि जो सातवें भाव पर पड़ी तो सप्तम भाव संबंधी भी दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करते हैं शनिदेव, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा करते हैं, डेली वेजेस के भी नए रास्ते अवश्य ही खोल करके जातक का जीवन यापन आसान जरूर कर देते हैं। चंद्रमा देवता के यहाँ से सप्तम दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ी तो माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी टोटली एडवांटेज मिलता है, माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है जातक का और जातक का जीवन यापन कहीं ना कहीं आसान अवश्य होता है चंद्रमा की दशांतर दशा में। दर्शकों, शनि चंद्र अगर 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए शनि देवता सदैव एडवांटेज देते हैं, प्रॉपर्टी से जातक को सदैव लाभ मिलता है, माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है जातक का, छोटे भाई बहनों की सपोर्ट मिलती है, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट भी मिलती है। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली तो थोड़ा कम्प्लेक्शन डार्क अवश्य हो जाता है, थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी ज़रूर बनती है, लेकिन जातक को मिलता सदैव शनिदेव का एडवांटेज ही है। यहाँ से शनि चंद्रमा ने जो दृष्टि डाली पंचम भाव पर तो यहाँ भी वो पुत्री का योग अवश्य बना देते हैं, मेंटल पीस जल्दी डिस्टर्ब नहीं होने देते, जातक एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी बन जाता है। अगर चंद्रमा ज़्यादा बली हुए तो जातक की थोड़ी शांत पर्सनैलिटी होगी, अगर शनिदेव बली हुए तो जातक थोड़ा अग्रेसिव पर्सनैलिटी वाला अवश्य होगा। यहाँ से शनिदेव ने जो 8वें भाव पर दृष्टि डाली तो बिना कारण की छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स होती रहेंगी जो जातक के हार्डवर्क करने से रिमूव अवश्य हो जाएंगी। शनि चंद्रमा प्रिय दर्शकों 12वें भाव में पड़े हुए तो टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे, माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी सारे डिसएडवांटेज, छोटे भाई बहन संबंधी डिसएडवांटेज, विदेश की यात्रा करना, विदेश में सेटल होना जातक का, यहाँ प्रॉपर माना जाता है कि कोई चौथे भाव का मालिक अगर विदेश सेटलमेंट में आ गया तो जातक की सेटलमेंट विदेश अवश्य होती है, और चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट में आना विदेश यात्रा करके वहाँ सेटलमेंट हो जाता है और अपना जीवन यापन जॉब सबऑर्डिनेशन में करके अच्छा अवश्य कर लेता है। यहाँ से शनिदेव ने धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली छठे भाव पर तो उसके संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट, यानी रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा समय दिक्कत परेशानियाँ। यहाँ से पिता पर जो नवम भाव पर दशम दृष्टि शनिदेव ने डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देता है, और चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ पिता के व्यय फजूल के बढ़ाता ही रहता है, यहाँ से दृष्टि डाली रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा पर चंद्रमा देवता टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। प्रिय दर्शकों एक बात याद रखिएगा, स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में कभी भी शनि देव का नीलम रतन धारण नहीं किया जाता, सुच्चा मोती अगर अच्छी जगह में प्लेसमेंट में हो तो वो धारण अवश्य किया जा सकता है, किसी विद्वान की सलाह इससे अवश्य ले लीजिएगा। आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए, बहुत से लोगों में ये चीज़ देखी गई है राहु शनि केतु का पाप प्रभाव अक्सर बड़ा होता है, तो आप किसी भी अगर धर्म स्थान पर कोई छोटा मोटा बल्ब या ट्यूब या इलेक्ट्रिसिटी वायर का कोई डोनेशन आप कर देते हो या उनकी हेल्प के लिए कोई ऐसी चीज़ डोनेट कर देते हो जो बिजली से चलने वाली हो, वो साक्षात राहु मानी जाती है, और उसका डोनेशन देना आपके राहु के पाप प्रभाव को शांत करके आपकी पूरी नेगेटिव ऊर्जा को डिक्रीजिंग में ला करके आपका जीवन यापन आसान ज़रूर कर देता है। अगर जातक ज़्यादा अफोर्ड ना कर पाए तो किसी वृद्ध आश्रम में दो चार एक दो बल्ब ही दान कर दे तो वो भी राहु की शांति में बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करती है। प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय।